अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मंसूर अब्बास है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी YouTube वीडियो पर व्यूज किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताता चलूँ कि मेरा बोलने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ी आपको डिफिकल्टी हो सकती है मेरी बात को समझने में, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मेरी बात को समझना बहुत ही आसान है। आप में से जिन दोस्तों को यूट्यूब पे बेसिक्स पता है वो इस ड्यूरेशन तक स्किप करें और डायरेक्ट प्रमोशन वाले स्टेप को फॉलो करें और अपनी वीडियो को प्रमोट करें। अदरवाइज अगर आपको यूट्यूब के बेसिक स्टेप नहीं पता, आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, तभी आपको इस वीडियो को समझ आएगी। अगर आपकी वीडियो पर व्यूज कम आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि हमारी वीडियो पर व्यूज किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, ये कौन कौन चीजें इस वीडियो को देखने के बाद हमें पता चली हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज आ जाती है रिसर्च। आप अपने टॉपिक को अच्छी तरह से रिसर्च करें। आपके पास इतना मटीरियल जमा हो जाना चाहिए कि आप उस टॉपिक पर बहुत कुछ बोल सकें और वो टॉपिक लोग भी सुनना चाहते हैं। बहुत से यूट्यूबर ये बताते हैं कि अगर आप उस टॉपिक पर ज्यादा बोल सकते हैं या आपके पास उस टॉपिक का ज्यादा मटेरियल है तो आप उस टॉपिक पर अपनी वीडियो बनाते चाहें, लेकिन ये जरूरी नहीं जो टॉपिक आप बोल रहे हैं वही लोग देखने के लिए तैयार हों। आप ये भी आप अपने टॉपिक के साथ ये भी देखें कि आपकी वीडियो आपको भी पसंद है और लोग भी बहुत देखना चाहते हैं। आप ये चीजें मिलाकर चलें तो आप YouTube पर सक्सेसफुल रहेंगे। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपके YouTube का टाइटल। आपके YouTube का टाइटल कीवर्ड से भरा हुआ होना चाहिए, कम से कम 3 या 4 कीवर्ड उसमें आने चाहिए। सेकंड नंबर पे आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आप जितनी ज्यादा लिख सकते हैं आप लिखें। आप जो चीज वीडियो में बोल रहे हैं हो सकता है तो आप वो सारा लिख दें और उसके साथ उसकी टाइम मेंशन करें कि इस टाइम पर मैंने ये बोला है, दूसरे मिनट पर मैंने ये बोला है, तीसरे मिनट पर मैंने ये बोला है और आप इस वीडियो को देखकर क्या क्या सीख सकते हैं, ये सारा कुछ आप डिस्क्रिप्शन में लिख दें। दोस्तों, इस वीडियो का फोर्थ पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि बहुत जरूरी है वो है टैग्स। आपने टैग्स बहुत अच्छे लगाने हैं, आपने रेलिवेंट टैग लगाने हैं जो सर्चेबल भी हों कि लोग उसको सर्च करें और आपकी वीडियो उनके सामने शो हो जाए। दोस्तों, नंबर 5 पे जाता है वीडियो की थंबनेल। आपने वीडियो की थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म की बनानी है। आपने अपने टॉपिक के रिलेटेड वो टॉपिक सर्च कर लेना है और उन लोगों की थंबनेल आपने देख लेनी है। आपने उन लोगों से ज्यादा अट्रैक्टिव थंबनेल बनानी है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, वीडियो पर बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं लेकिन थंबनेल पर मेहनत नहीं करते, तो उनकी सारी मेहनत बेकार जाती है। जिस व्यूअर ने भी आपकी वीडियो पर क्लिक करना है वो थंबनेल की बेस पर ही क्लिक करना है। आप थोड़ी सी फेयर क्लिक बेट कर सकते हैं, आप फास्ट क्लिक बेट ना करें। क्लिक बेट पर भी मैं एक नेम क्यों बना दूंगा। दोस्तों, अभी तक जो मैंने 5 स्टेप आप लोगों को बताए, इन तमाम स्टेप में से हर स्टेप की डिटेल वीडियो मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है। आप उन पर क्लिक करके हर एक की डिटेल वीडियो वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपकी वीडियो पब्लिश हो चुकी है, आपकी वीडियो पर 1-2 व्यूज आ चुके हैं और बाकी व्यूज नहीं आ रहे। अभी बात आ जाती है उस वीडियो को प्रमोशन की। आप यूट्यूब पर किसी चैनल को देखते हैं और उस पर कहते हैं मेरी वीडियो देख लो, मेरे चैनल को प्रमोट कर दो। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने सब और सब वाली टेक्निक भी नहीं यूज करनी। आप पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं, आप अनपेड प्रमोशन भी कर सकते हैं। अनपेड प्रमोशन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम यूट्यूब से पैसा कमाने आए हैं, यूट्यूब को पैसा देने नहीं आए। दोस्तों, अगर प्रमोशन की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, जैसे आप लिखते हैं फेसबुक के ऊपर फीलिंग अलोन विद 92 अदर्स, सिंपल सी बात है। आप इसी तरह करके वीडियो का लिंक पोस्ट करें, उसकी थंबनेल भी वहां पोस्ट करें। आपने जस्ट वीडियो का लिंक पोस्ट करके सेंड का बटन नहीं दबा देना या शेयर का बटन नहीं दबा देना। आपने उस वीडियो का लिंक वहां पेस्ट करना है, उस वीडियो में क्या क्या आपने बताया वो सारा कुछ आपने बताना है। कुछ टैग भी आपने फेसबुक पर भी डालने हैं, अपने सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट बाकी का भी मैं आपको बताता हूँ। आपने फेसबुक पर सारे टैग आपने लगाने हैं, सब कुछ करके आपने उसका थंबनेल बड़ा सा लगाना है और तभी उसको पोस्ट कर देना है। आपने उन दोस्तों को टैग करना है जो आपकी वीडियो को देख रहे हैं। आपने उन दोस्तों को ये टैग नहीं करना, ये उन दोस्तों को ये वीडियो का लिंक सेंड नहीं करना जो आपकी वीडियो को ओपन करें और क्लोज कर दें। आपने उन दोस्तों से बचना है क्योंकि आपकी वीडियो की रैंकिंग डाउन करने में वो अहम किरदार अदा करते हैं। आपने सिर्फ उन दोस्तों को देना है ये वीडियो का लिंक जो इस वीडियो की तलब करते हैं या जो आपकी टारगेट ऑडियंस है। आप अपनी वीडियो उन दोस्तों के साथ, फिर से बता रहा हूँ, आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और उसकी थंबनेल के साथ अपने दोस्तों को वीडियो भेजिए। ये मुख्तलिफ फेसबुक के ग्रुप में भी आप वीडियो भेज सकते हैं। आपको फेसबुक पर सब फॉर सब के बहुत ग्रुप मिलेंगे, लेकिन आपने उस वीडियो को वहां पर नहीं पेस्ट करना क्योंकि सब फॉर सब वाले किसी के नहीं होते, वो अपने भी नहीं होते, किसी के भी नहीं होते, जस्ट वो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में होते हैं।
उसकी अलग वीडियो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपने फेसबुक पर जब ग्रुप सर्च करेंगे, लाखों की तादाद में आपको फेसबुक पर ग्रुप मिल जाएंगे। आपने वहां पर अपनी वीडियो पेस्ट कर देनी है, डिस्क्रिप्शन डालनी है, थंबनेल भी डालना है और अपनी वीडियो को शेयर कर देना है। वहां पर भी आप अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ ग्रुप ज्वाइन करें और वहां पर अपनी वीडियो पेस्ट करें। अगर आपका कुकिंग का चैनल है, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी वीडियो को ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, आप अपनी वीडियो पर ज्यादा व्यूज ला सकते हैं। दोस्तों फेसबुक पर कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, ये तकरीबन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लिमिटेशन मौजूद होती हैं। अगर आप अपनी यूट्यूब वीडियो पर लिंक बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में आप शेयर करते हैं, ये बहुत ज़्यादा दोस्तों को एज अ मैसेज सेंड करते हैं, तो आपका फेसबुक अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है। आपने ये कोशिश करनी है कि आप कुछ लिमिटेड ग्रुप सेलेक्ट कर लें जो आपके वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज लाएँ और आपके वीडियो का वॉच टाइम इंक्रीज करने में अच्छे साबित हों। आप उन ग्रुपों में अपनी वीडियोस को प्रमोट करें, सिर्फ और सिर्फ उन ग्रुप्स में। अगर आप ज्यादा ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक होने का खदशा भी है। दोस्तों मैं अपनी वीडियो पब्लिश करने के बाद सबसे पहले फेसबुक पर ही प्रमोट करता हूँ। फेसबुक पर मुझे सबसे ज्यादा ऑडियंस मिलती है, तकरीबन 70% से ज्यादा, ये कह लें 90% मुझे ऑडियंस फेसबुक से मिलती है, क्योंकि फेसबुक पर लोग मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि फेसबुक पर अपनी वीडियो को आपने कैसे प्रमोट करना है। अभी बात आ जाती है ट्विटर पर। ट्विटर पर आपने हैशटैग का इस्तेमाल लाजमी करना है। आपने जितने भी टैग्स लगाए हैं, जितने भी हैशटैग लगाए हैं, आपने अपने टैग और हैशटैग के साथ ट्विटर पर अपनी वीडियो को लाजमी प्रमोट करना है। हैशटैग का आपने खास ध्यान रखना है, जो पॉपुलर हैशटैग है आपने ट्विटर पर भी उसकी अलहदा एसईओ कर लेनी है। अब बात आ जाती है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर आपने डिस्क्रिप्शन बहुत ही प्रिसाइज लिखनी है, टाइटल बहुत ही प्रिसाइज लिखना है और लिंक आपने शॉर्ट करके इंस्टाग्राम पे डालना है। और लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन पर आपकी वीडियो डायरेक्ट वहां पर लग जाती है। आप अगर लिंक्डइन पर आपकी वीडियो को कोई प्ले करता है तो उसका व्यू डायरेक्ट आपके यूट्यूब चैनल पर आएगा। आपने रेडिट का नाम सुना होगा, आप रेडिट पर दिन में एक पोस्ट कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ ग्रुप ज्वाइन कर लें, एक ग्रुप में दिन में एक आपने पोस्ट वहाँ करनी है, क्योंकि ये रेडिट बहुत ही ब्रॉड किस्म की वेबसाइट है और इस पर बहुत से प्रोफेशनल किस्म के लोग वहां पर मौजूद होते हैं। दोस्तों जो ऐप्स आपका टाइम ज़ाया करती हैं वो है टिकटॉक, लाइक इस तरह करके टाइम ज़ाया नहीं करती, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छे लोग हैं जो प्रोडक्टिव चीज़ें बताते हैं। आप इस पर अपना अकाउंट बनाएं और छोटा सा क्लिप लेकर ना, तकरीबन 60 सेकंड का, जो आपके क्लिप का अच्छा पार्ट है आप उसको क्रॉप कर लें और वहां पर आप पेस्ट कर दें। आप अपनी वीडियो को श्रिंक कर लें, उसको 60 सेकंड का बना लें या 30 सेकंड का बना लें और अपनी टिकटॉक या लाइक के अकाउंट पर आप उसको वीडियो को अपलोड कर दें और साथ में हैशटैग लगा दें, कुछ टाइटल लगा दें और नीचे अपनी वीडियो का लिंक भी दे दें, आपकी वीडियो पर वहां से भी व्यूज आएंगे। दोस्तों एक और वेबसाइट आ जाती है जो कि सोशल मीडिया अकाउंट में काउंट नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी एजुकेशन पर्पज के लिए काउंट होती है, वो है क्वोरा। दोस्तों एक और वेबसाइट आती है क्वोरा, मुझे ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, लेकिन ये सोशल मीडिया में काउंट नहीं होती, लेकिन इस पर आप मुख्तलिफ क्वेश्चन के आंसर देते हैं। जो भी कोई बंदा क्वेश्चन कर रहा है आप उसके आंसर दें, साथ में अपनी वीडियो का लिंक दे दें, आपकी वीडियो पर वहां से भी ट्रैफिक आएगी, आपकी वीडियो को वहां से भी व्यूज मिलेंगे। दोस्तों आप बड़े बड़े यूट्यूबर के चैनल को सब्सक्राइब करें जो आपको इनकरेज करते हैं, जो आपके काम की वीडियो बनाते हैं, उनके कमेंट बॉक्स में आप अच्छा अच्छा कमेंट करें, बड़ा लेंथी किस्म का कमेंट करें और वहां से भी आपकी वीडियो पर व्यूज आ सकते हैं। आप ये कमेंट बिल्कुल ना करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, ये वे लोग होते हैं आपको फॉलो ना करें। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कोई एक टिप भी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।